हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड प्रोनाउन। दिस इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज अ प्रोनाउन? हम लोगों ने पहले नाउन सीख चुके थे कि नाउन क्या होते हैं। आज टुडे वी रीड प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? ओके, A pronoun is a word which we use in place of noun। यानी कि pronoun वो words होते हैं जो कि कभी किसके लिए use में लिए जाते हैं, किसकी place पर use में लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं noun की जगह पर। ठीक है ना, अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलें कि noun की जगह पर use में लिए जाने वाले words को हम लोग क्या कहते हैं? Pronoun कहते हैं। It is also known as a noun रिप्लेसिंग वर्ड, यानी कि ये नाउन को रिप्लेस करते हैं इस वर्ड्स में। ठीक है, जैसे कि सौरभ हैज नॉट कम बिकॉज सौरभ इज इल। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि सौरभ नहीं आ सकता क्योंकि सौरभ बीमार है। हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसकी हिंदी करें तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर हम लोग हिंदी में प्रोनंस करें इसको तो बोलें सौरभ नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। ठीक है ना, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है ना, अब वो मतलब हो गया कौन? सौरभ। हम लोग सौरभ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इसको हिंदी में बोलें तो सौरभ हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। समझा के सौरभ को रिप्लेस किसने करा है? ही ने रिप्लेस करा है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू यूज ऑफ प्रोनाउन, और यही जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, अब ये प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग, 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज में लिए जाते हैं। चले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस आर द फॉलोइंग काइंड्स, यानी कि ये प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये यूजुअली हम लोग यूज करते ही करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ही, शी, वी, आई, यू एट्सेट्रा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, मायसेल्फ, देमसेल्फ्स एट्सेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज एट्सेट्रा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु, व्हाट, विच, हुम एट्सेट्रा। पॉजेसिव प्रोनाउन, योर्स, माइन, हिज, हर्स, आर्स एट्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हूज, विच एट्सेट्रा। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। अभी तो हमने इसके एग्जाम्पल समझे थे कि ये इतने प्रकार के होते हैं, इतने काइंड के होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, वो प्रोनाउन जो कि सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज में लिया जाता है, या फिर एनिमल के लिए यूज में लिया जाता है, या फिर एक बर्ड्स के लिए यूज में लिया जाता है, वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं एक फार्मर हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रोहित हूँ और मैं रोहित फार्मर हूँ। ऐसे बोलता है कोई कि रोहित फार्मर हूँ? ऐसे तो ना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मैं एक फार्मर हूँ। तो मैं की जगह हम लोग आई का यूज़ करेंगे, आई एम अ फार्मर। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं ये तो ना बोलूँगा कि राम, मेरा नाम सपोज करें राम है, तो राम टीचर हूँ। ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा कोई नहीं बोलता। ठीक है ना, तो आई एम अ टीचर बोलते हैं जैसे। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, ये थोड़ा बोलेंगे। बोले भैया जैसे कि सपोज करें कि कोई एक नाम लेता हूँ, राहुल डॉक्टर है, ऐसे तो ऐसे नहीं बोला जाएगा। हम बोलेंगे यू आर अ डॉक्टर। अगर कोई एक सामने व्यक्ति कोई आपके खड़ा हुआ है, कोई सामने लड़का कोई खड़ा हुआ है, तो वो बोलेंगे कि ऐसे थोड़ा बोले कि तुम्हारे सामने ही कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है राहुल, तो आप राहुल को बोलोगे राहुल खिलाड़ी है, राहुल प्लेयर है, ऐसे तो ना बोलेंगे।
उसके सामने ही अगर आपको कोई खड़ा हुआ है और आपको ये बोल रहे हो, आपको ये बोलना हो, उसका नाम लेके बोलना हो उसके सामने ही, तो ऐसे इस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बोलेंगे यू आर अ डॉक्टर राहुल, तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर हो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। वी प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, शी इज़ वेरी काइंड गर्ल, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, ठीक है। ही इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेबल, ये जो टेबल है, यह जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर द थ्री टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इफ द स्पीकर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, अगर कोई स्पीकर बात कर रहा है अपने खुद के बारे में तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, समझ में आया बच्चा आपको। कोई पर्सन अगर बात कर रहा है अपने खुद के बारे में तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जैसे कि सिंगुलर, आई, मी, माई, माइन, जैसे सिंगुलर प्लूरल मैंने अभी आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया है, ठीक है ना। जिस किसी ने मेरी वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी सिंगुलर प्लूरल की, वो आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोस देखेगा फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखेगा, क्योंकि वो पुराना वाला अगर मिस हो गया तो प्रॉब्लम होगी समझने में इसको। सिंगुलर क्या होता है, आई, मी, माय, माइन, प्लूरल वी, अस, आर, आवर्स। अब ये कुछ सेंटेंस है, जैसे कि आई एम गो टू मार्केट, मैं तो ना बोलूँगा कि मेरा नाम खुद लेकर कि भैया मेरा नाम है शाहिद, शाहिद गोइंग टू मार्केट, ऐसे तो ना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। सपोज आपका नाम है वैष्णवी, सपोज, ठीक है ना, वैष्णवी गोइंग टू मार्केट, तो वैष्णवी ये लड़की ये थोड़ी ना बोलेगी ये वैष्णवी गोइंग टू मार्केट अपने आप खुद को ही, तो ये तो बोलो आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। वी आर स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट हैं। सेकंड पर्सन कौन होते हैं, कि कोई भी स्पीकर जब स्पीक जब पर्सन स्पीक्स टू पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, जो भी कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, देन इट इज कॉल्ड अ सेकंड पर्सन, तो वो वाला क्या होगा, वो सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन बहुत है आसान, इजी है, कि जैसे कि सिंगुलर यू, योर, योर्स, प्लूरल यू, योर, योर्स। सिंगुलर प्लूरल के अंदर यू के अंदर कोई चेंज नहीं होता, यू, योर, योर्स होते हैं, ठीक है। लुक एट दीज सेंटेंस, यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा से लेट हो। दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी बुक है, ऐसे तो ना बोलेंगे कि दीज आर रमेश बुक, ठीक है ना। सामने आपके वो व्यक्ति खड़ा हुआ है और फिर भी आप उसका नाम लेके बोल रहे हैं तो ये नहीं, ये गलत होता है। दीज आर योर बुक्स, दीज बॉल्स आर योर्स। अब हम करते हैं थर्ड प्रोनाउन के बारे में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इफ द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड हिम और थर्ड पर्सन, यानी कि अगर कोई स्पीकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कोई तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आई। एक व्यक्ति, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो ही क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। शी इज अ वेरी, शी इज अ ब्रेव गर्ल, दे प्ले विद हिम, इट इज माई पैट डॉग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, द प्रोनाउन्स विच रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट को रेफर करता हो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, एटसेट्रा आर दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूंगा, ठीक है। यू मेड योर सेल्फ एंग्री, तुम अपने आप ही एंग्री हो रहे हो। द बॉयज हाइड देम सेल्फ, बॉयज ने अपने आप को छुपा लिया। इन द अबव सेंटेंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अंदर क्या है, ये सारे के सारे योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो प्रोनाउन उसकी किसी भी पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि वो साइड में वो हेलमेट किसका है, या वो बॉटल किसकी है, या वो बैग किसका है, या फिर ये बैग मेरा है, ये हेलमेट मेरा है,
ठीक है ना, बोल देना। तो ये एग्जाम्पल होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, जैसे कि दिस इज माई पप्पी, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, पप्पी जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो वो पप्पी क्या है, ये मेरा पप्पी है, तो दिस मतलब क्या होता है, ये, ये है। दीज आर देयर हॉर्सेज, ये जो हॉर्स है, ये वो, ये सारे ये हैं हॉर्सेज। दैट इज योर क्लास, ये तुम्हारी क्लास है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स दीज दे दीज दिस एंड दैट आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। अब इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, ट्रिक से याद करेंगे आप लोग इसको। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, इंटेरोगेशन करना, जैसे बोल सकते हैं ना। इंटेरोगेटिव को किससे रिलेट करो आप लोग, इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल में क्या करना होता है, कि कोई क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ, जैसे कि व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, हु एटसेट्रा आर मेनली यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लुक एट दीज सेंटेंस, हु हेल्प्ड देम, किसने इसकी हेल्प करी। व्हाट इज योर हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है। व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट कब जाओगे, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू एच व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि काम में आते रहते हैं आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, ठीक है ना, डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, ठीक है बच्चों। अबव सेंटेंस द वर्ड्स हु, व्हाट एंड व्हेन आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन आर यूज टू शो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल माइन, yours, theirs, ours, hers, etc. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताने के लिए हम लोग पोजिशन प्रोनाउन का, सॉरी पोजिटिव प्रोनाउन का यूज में लिया जाता है। जैसे कि ये मेरा पेन है, दिस इज योर पेन, ये उसका पेन है, तो क्या रिलेशन हुआ ना, ये पेन का और योर का रिलेशन हो गया, ये उसका पेन है। दैट हाउस इज माइन, ये मेरा घर है। दिस स्कूल इज आर्स, ये हमारा स्कूल है, ठीक है ना। तो मतलब बता देता हूँ इसको आपको हिंदी में, माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा, देयर्स मतलब वो, आर्स मतलब हमारा, हर्स मतलब लड़की के लिए यूज में लिया जाता है, और हिज मतलब लड़की के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स योर्स, माइन एंड आर्स आर द पॉजिटिव प्रोनाउन। वी रिमेंबर, एक चीज और याद रखनी है आपको इसके अंदर, कि क्या याद रखना है, वी प्लेस पॉजिटिव प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा याद रखना, पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज में लिया जाता है। दे डू नॉट हैव अ नाउन आफ्टर देम, और ये वाले जो नाउन होता है ना, ये हमेशा नाउन के बाद, सॉरी दे डू नॉट हैव अ नाउन आफ्टर देम, और नाउन के बाद हमेशा, इसके बाद हमेशा कोई भी कभी भी नाउन नहीं आता है, ये चीज याद रखिएगा। लास्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, वो प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। एंड रेफर बैक टू द नाउन गोइंग बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि लुक एट दिस सेंटेंस, द बॉय, एक सेंटेंस ये, वॉन द प्राइज इज माई ब्रदर, ठीक है ना, ये दूसरा सेंटेंस। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए किस, क्या यूज में लिया जाता है, हु, the boy who won the prize, the boy who won the prize is my brother, यानी कि वो लड़का जिसने वो prize जीता है वो मेरा brother है। this is the watch which my uncle gave me yesterday, ये वो घड़ी है जो मुझे मेरे अंकल ने दी है कल, ठीक है, जिसने, जो मुझे अंकल ने दी है कल, ठीक है। द मैन whom he gave a pencil is my uncle, जो ये वो जो आदमी है जिसने मुझे ये पेंसिल दी है वो मेरे अंकल है, ठीक है। द वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड इज कॉल्ड अ विडो, वो औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है वो अब क्या है, विडो है। अब इन सेंटेंस के अंदर आपको जो वर्ड्स लिखे गए हैं
who, which, whom and whose, ये सब क्या है? ये सब है रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों ये आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसके अंदर वापस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे कभी भी किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ लेना कभी भी किसी भी वक्त के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे कभी भी एनी टाइम मुझे फ़ोन करो, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को अब आप लोग ये पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।